आज हम आपके साथ शेयर करेंगे गोंद के लड्डू, वो कैसे बनाए जाते हैं और किस तरीके से। इन लड्डू को बनाने की हर स्टेप आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। गोंद के लड्डू हमारे यहाँ ठंडियों के टाइम जरूर बनाए जाते हैं। इनको बना के रख लेते हैं इकट्ठे और सुबह सुबह दूध के साथ खाए जाते हैं। ब्रेकफास्ट की जगह पर हमारे यहाँ लड्डू खाए जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, हमें ज़रूर बनाना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपसे निवेदन है कि अगर आप कुकिंग पिंकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड और परिवार में। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं लड्डू। लड्डू बनाने के लिए लेंगे सबसे पहले गोंद। ये मैंने 200 ग्राम गोंद लिया है। कढ़ाई को गैस पर रख दिया था गर्म करने के लिए। इसमें घी डाल दिया है, घी गर्म हो गया है। पहले हम गोंद को इसमें फ्राई कर लेंगे घी में। गोंद जब भी आप घी में फ्राई करें तो थोड़ा सा गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे और इसको बराबर चलाते रहेंगे गोंद पूरी तरह से पक जाए। अगर आप इसे फुल फ्लेम पर पकाएंगे तो गोंद अंदर से तो कच्चा रह जाएगा, ऊपर से जल जाएगा, इसीलिए गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे और इसको चलाते रहेंगे। गोंद अच्छे से भुन गया है, अब इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अब हम इसमें भूनेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में ये पहले मैं किशमिश को भून रही हूँ। किशमिश को पानी में धुल के रख दिया था। किशमिश को भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। किशमिश भी अच्छे से भून गए हैं, अब इनको भी बाहर निकाल लेते हें। इसमें क्या है, पहले आप गोंद भूनें उसके बाद बाकी ड्राई फ्रूट्स हैं सबको भून लेंगे। ये मैंने लिए काजू, काजू को पीसेस में कट कर लिया है, इनको भी हल्के फ्राई कर लेती हूँ। काजू को भी हल्के फ्राई कर लिया है, इनको भी बाहर निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। और मैं इसमें फ्राई करूँगी थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम, ज़्यादा नहीं लिए हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने तो इसमें थोड़े से ही लिए हैं। इनको भी हल्का फ्राई कर लिया और इसमें डाल दिए मखाने साथ में। मखाने क्या है, ज़्यादा भुनने में टाइम नहीं लेते हैं, तो सभी ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करके भी भून सकते हैं। जैसे मैं भून रही हूँ सभी ड्राई फ्रूट्स को, मैंने ये भून लिया है, अलग अलग प्लेट में रखा है, आप देख सकते हैं। अब मैं ड्राई फ्रूट्स को साइड में उठा के रख दूंगी, ड्राई फ्रूट्स इधर ठंडे होंगे। इतनी देर में मैं इधर आटा भून लूँगी। जितने आप लड्डू बनाए उस हिसाब से आटा लें। मैं इसमें घी नहीं डाल रही हूँ, घी बाद में डालूंगी, पहले इसको ऐसा ही भूनूंगी। क्या है, ऑलरेडी कढ़ाई में थोड़ा सा घी था इसीलिए मैंने इसमें घी नहीं डाला है। आटा भूनने में थोड़ा सा समय लगता है, आटा हल्का सा भूनने पर आ गया, अब इसमें घी डाल देंगे। घी डालने के बाद फिर इसको मिक्स कर देंगे और इसको बराबर चलाते रहेंगे। आटा भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखें, हाई फ्लेम पर नहीं पकाएं। हाई फ्लेम पर आटा तो भुन जाएगा पर वो टेस्ट नहीं आएगा जो मीडियम टू लो में भूनने में टेस्ट आता है आटे का। आटा लगभग भुन चुका है, अभी हम इसको बराबर चलाते रहेंगे, चलाने में बंद नहीं करना है। गैस का फ्लेम मीडियम ही है, हाई नहीं रखा है मैंने। गैस को अब कर देंगे ऑफ, फिर भी हम इसको चलाते रहेंगे जब तक कढ़ाई गर्म है, तब तक इसको बराबर चलाते रहना। अगर इसको चलाना छोड़ देंगे तो ये जल सकता है, इसीलिए इसको चलाते रहेंगे। और अगर इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे तो कोई बात नहीं है, नहीं हमें इसको बराबर चलाते रहना है। ये दूसरे बर्तन में मैंने निकाल लिया है। इधर ड्राई फ्रूट्स हमारे ठंडे हो गए, अब इनको हम एक जार में डाल के पीस लेंगे। पहले गोंद को पीसेंगे, पीसने में इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 से 2 बार चलाने के बाद ये अच्छे से पिस जाता है। ये देखिए गोंद भी पिस गया है, अब मैं इसमें पीसूंगी छुआरे। छुआरे को हल्का दरदरा पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं रखना है। इसमें घी ज़्यादा है तो इसीलिए ये चिपका चिपका सा हो गया है। सभी को मैं पीस के आटे में डालती जा रही हूँ साथ साथ। ये मैंने ड्राई फ्रूट्स को भी पीस लिया है, सभी को आटे में डाल लिया है। अब इनको हम मिक्स करेंगे, हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं आप, मैं एक चम्मच से मिक्स कर रही हूँ। ये थोड़ा सा इसमें स्पेस कम है, बर्तन छोटा रह गया है मुझे लगता है, मुझे दूसरा बर्तन लेना पड़ेगा। अब इसमें हम शुगर पाउडर डालेंगे। शुगर पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप अगर आपने जिस कटोरी से आटा लिया है आप उस कटोरी से, जैसे 2 कटोरी आटा है तो 1 कटोरी शुगर पाउडर डाल सकते हैं। मैंने यहाँ 3 कटोरी के लगभग आटा लिया था, उसी हिसाब से मैंने डाला है इसमें मीठा। मीठा डालने के बाद भी इसको मिक्स कर देंगे, आटे को और शुगर पाउडर को पूरी तरह से मिक्स हो जाए। अगर करछली से मिक्स नहीं हो सके तो इसको हाथ से मिक्स कर दें, जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ। हाथ से क्या है, पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा, इधर उधर कहीं भी बचेगा नहीं, इसलिए इसको हाथ से मिक्स कर लें अच्छे से। ये मैंने हाथ से अच्छे से मिक्स कर लिया है।
जिस बर्तन में ये मैंने सब मटेरियल डाला था ये थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, इसलिए मैं अब दूसरा बर्तन ले रही हूँ उसमें इसको डाल रही हूँ। आप जब भी बनाएं तो बर्तन थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। मैंने इतना अपना अंदाज़ा नहीं लगाया था कि ड्राई फ्रूट्स पीसने के बाद इतना ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए मुझे चेंज करना पड़ा। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये आटा मुट्ठी बन रही है, अभी इसमें इतना सारा घी हो गया है, ड्राई फ्रूट्स और आटे में भी घी पड़ा था इसलिए, तो इसमें हमें ज़्यादा घी डालना नहीं पड़ेगा। घी को गर्म कर लेंगे पहले, और घी डालने के लिए इसमें बीच में जगह कर देंगे, क्या इधर उधर डालेंगे तो थोड़ा सा घी फैलेगा, इसलिए पहले हल्का सा आटे को इधर उधर कर देंगे बीच में होल टाइप का बनाकर, फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम इधर से उधर आटा करेंगे, एक साथ नहीं करना है, घी फैल जाएगा इसीलिए। और ये जैसे जैसे सूखता जाए वैसे वैसे इसको घुमाते जाएंगे, आटे को ऊपर से करते जाएंगे। घी हल्का सा ठंडा हो गया है, अब इसको हाथ से मिक्स कर लेंगे। क्या है, करछली से मिक्स करने में नहीं आता है, अगर लड्डू बनाएंगे तो लड्डू के हिसाब से बनाना चाहिए, इसलिए हाथ से मिक्स करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। ये मैंने हाथ से पूरे को मिक्स कर लिया है, आराम से, थोड़ा सा गर्म है फिर भी मैं करती जा रही हूँ, हाथ लाल पड़ गए हैं करते करते मेरे, जल रहे हैं। अब इसके लड्डू बनाएंगे, पहले एक लड्डू बनाकर देख लेंगे कि लड्डू अच्छे से बन रहा है कि नहीं। लड्डू अच्छे से बन रहा है, अब इसमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है, घी को हमने साइड में रख दिया है। और सभी आटे के एक एक करके लड्डू बना लेंगे, आप छोटे साइज के बड़े साइज के जैसे आपको अच्छे लगते हो वैसे लड्डू आप बना सकते हैं। मैंने लगभग सभी लड्डू को बनाकर तैयार कर लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप में। मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, ये लड्डू का सेवन कैसे करते हैं। एक लड्डू लें और एक गिलास दूध लें, उसके साथ इसको खाएं, सुबह ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, आप जब मन करें तब खा सकते हैं। हाँ ये है, इस लड्डू को खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए हमें, अगर पानी पीना है तो थोड़ा सा गुनगुना पानी हो तो ज़्यादा बेटर रहता है, इसलिए आप इस लड्डू को जब भी खाएं तो दूध के साथ खाएं। और आपको लड्डू बनाने की रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।